वीक 48 की बाघ टीआरपी रिपोर्ट आ चुकी है, तो आइए जानते हैं जी टीवी के सभी 9 शोज की परफॉर्मेंस इस हफ्ते कैसी है। नंबर 9 के पायदान पर आया अगर तुम ना होते 0.6 रीडिंग पॉइंट्स के साथ। शो की टीआरपी काफी कम है, जिसके कारण मेकर्स जल्दी शो में न्यू एंट्रीज कराने को तैयार हैं। नंबर 8 के पायदान पर आया इश्तो का मांजा 0.7 रीडिंग पॉइंट्स के साथ। इस शो की भी टीआरपी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। नंबर 7 के पायदान पर आया काशी बाई बाजीराव बल्लाल, जिसने 0.7 की रेटिंग्स हासिल की हैं। शो अच्छी रेटिंग्स हासिल कर रहा है। नंबर 6 के पायदान पर आया तेरे बिना जिया जाए ना 1.0 रीडिंग पॉइंट्स के साथ। ये भी एक स्टेबल शो ही है। नंबर 5 के पायदान पर आया रियलिटी शो सारे गामा पा 1.2 रीडिंग पॉइंट्स के साथ। इसके पहले सीजन्स तो काफ़ी अच्छी रेटिंग्स हासिल करते थे, मगर ये शो अब उतनी अच्छी रेटिंग्स नहीं लेके आ रहा। नंबर 4 के पायदान पर आया मीत बदले की दुनिया की रीत 1.4 रीडिंग पॉइंट्स के साथ। आशीष इन स्टार इस शो की भी टीआरपी में उछाल आया है। नंबर 3 के पायदान पर आया भाग्य लक्ष्मी 1.8 रीडिंग पॉइंट्स के साथ। पहले तो शो 0.2 की रेटिंग्स हासिल लेकर आया था, मगर अब शो की रेटिंग्स में गिरावट देखने को मिली है। नंबर 2 के पायदान पर आया कुंडली भाग्य 2.0 रीडिंग पॉइंट्स के साथ। शो एक बार फिर से 2.0 की रेटिंग्स लेकर आया, जिससे चैनल और प्रोड्यूसर्स काफ़ी खुश हैं। नंबर 1 के पायदान पर आया कुमकुम भाग्य 2.1 रेटिंग पॉइंट्स के साथ, और शो की टीआरपी में बम्पर उछाल देखने को मिला है, जिससे चैनल और प्रोड्यूसर्स काफ़ी खुश हैं। तो ये थी वीक 48 की बाघ टीआरपी रिपोर्ट जी टीवी के सभी शोज़ की। आपको कौन से शो पसंद है जी का, हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।